पूर्वी सिंहभूम के सरायकेला खरसावा में इन दिनों लुटेरों का आतंक देखने को मिल रहा है। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, लुटेरे वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस के हाथ खाली हैं। 24 घंटे में लूट की दो वारदातों से शहर में दहशत का माहौल है। पहला मामला सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके का है, जहां एक ज्वेलर से लाखों की लूट को अंजाम दिया, तो दूसरा मामला सरायकेला थाना मोड़ के पास का है, जहां बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे व्यापारी के कर्मचारी से अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट कर ली। ज्वेलर से अपराधियों ने की लूट, दुकान में घुसकर 2.5 लाख के आभूषण लूटे, 20,000 की नकदी भी लूटी अपराधियों ने। दो बाइक पर सवार थे 4 अपराधी। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गुमटी बस्ती पीएचईडी परिसर के सामने रोड नंबर 21 के पास न्यू मां दुर्गा ज्वेलर से गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे 4 हथियारबंद लुटेरों ने दुकानदार उपेंद्र वर्मा को कब्जे में लेकर करीब 2.5 लाख की लागत के सोने और चांदी के आभूषण, साथ ही नकद 20,000 रुपए की लूट कर ली और फरार हो गए। दुकानदार के मुताबिक दो बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी उसके दुकान पर आए। वो दुकान बंद करने ही वाला था, तभी 3 अपराधी दुकान में आ घुसे और धारदार हथियार उसके गले पर रख दिया, जिसके बाद बैग में रखे सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। क्या क्या था उसमें? ज्वेलरी का सामान था, सोना का था और चांदी का था और केस था। करीब कितने का होगा? केस करीब 20,000 रुपया होगा और सोना था 2 लाख रुपया लगा। कितने कितने का संख्या में लोग थे? उन लोग यहाँ पर 3 आदमी था। उन लोग यहाँ पर 3 आदमी आया था, आगे में भी 2 आदमी था। हम उधर दौड़ के भागे, जैसे मेरे को भुजाली दिखाया तो इसलिए उधर भाग रहे थे, उधर भी देख रहे, उधर भी मेरे को दिखा रहे ऐसे करके। आगे में भी था नकाब, नकाब नहीं पसा, कुछ नहीं था। कितने बजे घटना है? अभी तुरंत 8:22 हो रहा, 8:30। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की, जिसमें कुछ बदमाशों की तस्वीर भी कैद हुई है। इसके आधार पर पुलिस ने आदित्यपुर के तमाम मोड़ पर नाकेबंदी कर देर रात से ही जांच शुरू कर दी थी। तो उसी में है सो, हाँ, बैग पर 3-4 लाख लोग हैं और बैग लेकर है कितने का है लूट का मामला? ये लोग तो अभी पूरा एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच का। अभी इस लूट को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि लुटेरों ने फिर पुलिस को चुनौती दे डाली। इस बार लुटेरों ने बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे एक व्यवसायी के कर्मचारी से लूट की। व्यवसायी के कर्मचारी ने लूट का किया दावा। बैंक से पैसा निकाल कर ले जाने के दौरान हुई लूट, कर्मचारी से लूटे 1.5 लाख रुपए। पुलिस ने बताया मनगढ़ंत कहानी। सरायकेला खरसावा में पिछले 24 घंटे के भीतर दूसरी लूट की घटना ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। सरायकेला थाना मोड़ के पास दिन दहाड़े दो अपराधियों ने यूनियन बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे व्यवसायी के कर्मचारी से 1.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बता दें, गौतम पाठक नाम के शख्स का आरोप है कि दो अपराधियों ने उससे रुपयों से भरा बैग छीन लिया। 12:55 में बैंक से पैसा निकाल के लाए पेमेंट करने के लिए। चेंज पैसा था, जो कि पेमेंट का पैसा था इसलिए चेंज पैसा था। वो झोला में रखे थे, वो झोला में नापने वाला टेप भी था, अखबार भी था, पेपर भी था और पैसा भी था, चेंज पैसा। पैसा निकाल के लाए, यहाँ पर बाइक में खड़ा किए थे।
वहीं पुलिस का मानना है कि कर्मचारी लूट की मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। पुलिस का दावा है कि किसी सीसीटीवी में ऐसी लूट की कोई वारदात रिकॉर्ड नहीं हुई। एक गौतम कुमार पाठक व्यक्ति हैं जो यहाँ के जो स्थानीय हीरो होंडा शोरूम है उनके यहाँ ये काम करते हैं और ठेकेदारी का भी काम करते हैं, जिनके द्वारा बताया गया थाना में आकर के कि 1.5 लाख रुपया ये बैंक से निकाल के थाना चौक के पास से इनके पास से दो अपराधियों ने, जिसमें से एक जो पतले थे हेलमेट लगाए हुए थे, इनका 1.5 लाख रुपये छीन के भाग गए। इनकी बात को सत्यापित करते हुए हम लोगों ने टीम गठित किया और जगह जगह चेकिंग लगाया, अभी भी चेकिंग चल रहा है। संयोग से हमारे पास सीसीटीवी फुटेज यहाँ का उपलब्ध है, हमारे पास इस चौक का जो सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया, तो अवलोकन में इनकी बात अभी प्रथम दृष्टया झूठ लग रही है। दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 24 घंटे में लूट की दो बड़ी वारदातें पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। अगर पुलिस ने जल्द इन दोनों मामलों की सच्चाई का पता नहीं लगाया तो जनता का कानून से विश्वास उठने लगेगा। गुनाह के लिए सरायकेला से संतोष की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।